السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات اکرام، کافی عرصے کے بعد آج پھر ایک بار خانقاہ شریف میں ہفتہ واری درس کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے. جیسے بھی کچھ حالات سے ہمارا اپنا ملک، ہماری اپنی ریاست جوجھ رہی ہے، اس کی بنا پر ہفتہ واری مصروفیات، ماہانہ مصروفیات تعداد کی وجہ سے بہت حد تک متاثر رہے. اسی وجہ سے ہفتہ واری درس محفل پر بھی اس کا اثر پڑتا رہا. جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات آپ سے عرض کی، خانقاہیں جو ہوتی ہے، خانقاہ کے جو حقیقی معنی ہے، خانقاہ کے جو حقیقی مفہوم ہے، وہ یہی ہے کہ ایک بندے کی اصلاح خانقاہ میں کی جاتی ہے. فرض، سنت، نوافل کے طریقے اس کو بتلائے جاتے ہیں. اللہ اس کے رسول نے کن چیزوں کو حلال قرار دیا، کن چیزوں کو حرام قرار دیا، وہ تمام ہی باتیں خانقاہ میں بتلائی جاتی ہے. یوں تو بہت سارے لوگوں کے بہت بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں، بہت بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، لیکن کوئی انسان بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے سارا علم حاصل کر لیا، ساری معلومات میں نے حاصل کر لی. علم ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. انسان جیسے جیسے علم حاصل کرتا ہے، اس کی چاہت حاصل کرنے کی اور بڑھتی جاتی ہے. یہ ظرف والے کی بات کر رہا ہوں. کم ظرف جو ہوتا ہے، شدھ بدھ علم حاصل کرنے کے بعد وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں نے بہت سارا علم حاصل کر لیا، میں نے علم کے سمندر میں غوطہ خوری کی، اب مجھے کچھ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے کسی کے بھی سامنے زان و ادب طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
इस मौके पर एक और एक बात आपसे मैं अर्ज करता चलूं कि एक इंसान चाहे कितना भी इल्म हासिल कर ले, लेकिन उसको नाज अपने इल्म पर नहीं होना चाहिए। चाहे कितना भी इल्म हासिल कर ले, उसको उसके इल्म पर गुरूर कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला को सबसे नापसंदीदा जो चीज़ है वो तकब्बुर है। अगर कोई इंसान किसी चीज़ पर तकब्बुर करता है, अना करता है, तो अल्लाह ताला की बारगाह में सबसे नापसंदीदा जो अमल है वो तकब्बुर और अना है। तो इससे हमको बचने की ज़रूरत है। और इल्म पर जो नाजा होता है, इबादतों पर जो नाजा होता है, वो परवरदिगारे आलम की बारगाह से धुतकार दिया जाता है, जैसे कि इबलीस को धुतकार दिया गया था। इबलीस का क्या था? वो अपने इल्म पर नाजा था, वो अपनी सजदों पर, अपनी इबादतों पर, अपनी रियाजतों पर नाजा था, और उसने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते हुए मुजस्समे आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया, और अल्लाह ताला ने उसको धुतकार दिया, रांधे दरगाह कर दिया। तो इल्म हासिल करना बहुत अच्छी बात है। जैसे कि हदीस शरीफ में आया है, हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हर मुसलमान मर्द, औरत, बूढ़ा, बच्चा, हर इंसान पर इल्म का हासिल करना ज़रूरी है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें चीन जाकर भी इल्म हासिल करना हो तो तुम जाकर इल्म हासिल करो। तो इल्म की ये अहमियत इस्लाम में बतलाई गई। इस्लाम में इल्म की बड़ी अहमियत है। इस्लाम में इल्म का जो मामला बतलाया गया, बड़ा ही ऊंचा बतलाया गया। जैसे कि मैंने आपसे अभी अर्ज किया कि इल्म की कोई सीमा नहीं है, इल्म का कोई किनारा नहीं है। आप जितना हासिल करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, लेकिन उस पर अना करना, गुरूर करना, ये अल्लाह ताला को बिल्कुल ही नापसंदीदा अमल है। इस पर आप गौर करें। अब रही बात, आज जो मैंने गुफ्तगू का जो उनवान मुंतखब किया है वो ये कि इस्लाम में औरत को क्या मकाम और मर्तबे से नवाजा है। जैसे कि आप देखते हैं कि मुस्लिम दुश्मन ताकतें जितनी भी हैं, जितने भी मुखालिफ इस्लाम हैं, वो लोग ये बात का प्रोपगंडा, ये बात का प्रचार करने में मसरूफ हैं। अपनी सारी कुव्वत, अपनी सारी तवानाई इस बात पर लगा रहे हैं कि इस्लाम ने औरत को मकाम नहीं दिया, इस्लाम ने औरत को किसी तरीके का तहफ्फुज़ नहीं दिया। इस किस्म के प्रोपगंडा इस्लाम के खिलाफ हिंदू, मुस्लिम और भी जो कुछ भी लोग हैं जो नाम के मुसलमान हैं, ऐसे लोग और इस्लामी दुश्मन ताकतें मुसलसिल ये कोशिश कर रहे हैं कि इस्लाम को बदनाम किया जाए, ये कहकर कि इस्लाम ने ख्वातीन को कोई तहफ्फुज़ नहीं दिया, कोई मकाम और मर्तबा नहीं दिया। तो मैं इस बात पर उन तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूँ और मुस्लिम ख्वातीन से भी बिलखसूस मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इस्लाम ने जो तहफ्फुज़ ख्वातीन को दिया है, इस्लाम ने जो मकाम ख्वातीन को दिया है, रब्बे कायनात की कसम, किसी मजहब ने भी ऐसा मकाम और मर्तबा ख्वातीन को नहीं दिया। ये बात वाज़ेह है, ये बात बड़ी ही साफ है। जैसे कि छोटी सी मिसाल मैं आपके सामने अर्ज कर दूं कि माँ के खदमों के नीचे जन्नत है,
एक औलाद को यह समझाया जा रहा है कि तू दुनियादारी कर रहा है, तू नेक आमाल कर रहा है, दीन का इल्म हासिल कर रहा है, सब कुछ करने के बावजूद भी जब तक के तू अपनी माँ की खिदमत नहीं करेगा, माँ की फरमा बरदारी नहीं करेगा, माँ की खिदमत नहीं करेगा, तुझको कोई भी अजर व सवाब मिलने वाला नहीं है, भले ही तुम सारी अपनी जिंदगी सजदों में गुजार लो, तुम अपनी सारी जिंदगी तवाफे बैतुल्लाह में गुजार लो, तुम अपनी सारी जिंदगी रोजे रख कर गुजार लो, अगर तुम माँ की नाफरमानी करते हो, माँ की खिदमत नहीं करते हो, तो फिर ये याद रखो कि तुम्हें किसी किस्म का कोई अजर व सवाब मिलने वाला नहीं है। इसीलिए नहीं मिलने वाला है क्योंकि अल्लाह उसके रसूल ने फरमा दिया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो हम हर औलाद को चाहिए कि अपनी जन्नत में सुकून से रहें, उसकी खिदमत करें, उसको जो कुछ भी हो सकता है उसकी खिदमत करते हुए अपनी दीन और दुनिया को बनाए। ये इस्लाम ने एक औरत को मकाम मर्तबा दिया। दूसरी बात ये कहा जाता है कि औरत को आज़ादी नहीं है, तो मैं कहना चाहूँगा कि ये मुस्लिम दुश्मन ताकतें जिस हिसाब से ख्वातीन को टारगेट करते हुए इस्लाम के खिलाफ ठहराने की जो कोशिश कर रही है, उनके लिए ये वाज़ेह अंदाज में बात कहना चाहता हूँ कि इस्लाम ने जो ख्वातीन को तहफ़्फ़ुज़ दिया, जो आज़ादी दी, वो किसी और मज़हब ने नहीं दी। जैसा कि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफे दुव्वम के दौर की बात है कि आपकी जो पार्लियामेंट थी, आपका जो दौरे हुकूमत था, उसमें औरतों को भी मकाम दिया गया था। यानी जिस तरीके की आज काबीना होती है, जिस तरीके की आज पार्लियामेंट होती है, उसी तरीके से सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में औरतों को भी मकाम मर्तबा दिया गया। जैसे कि कैबिनेट मंत्री का जो है दर्जा दिया गया, तो उस वक्त की बात है कि एक साहबिया, जो साहबिया थी, उन्होंने सैयदना उमर फारूक के एक फैसले से इख्तलाफ किया। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चाहते थे कि हद मेहर महर का जो है तायुन किया जाए, यानी शादी के वक्त जो महर की रकम अदा की जाती है उसका एक तायुन किया जाए, और उस तमाम चीज़ों को सैयदना उमर फारूक अपनी पार्लियामेंट में मंजूरी के लिए बिल पेश किया था। मैं इन तमाम चीज़ों को आपको बिल पार्लियामेंट इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको आसान अंदाज में यह बात समझ नहीं आ जाए। तो सैयदना उमर फारूक ने अपनी पार्लियामेंट में ये बिल पेश किया कि हद महर का तायुन होना चाहिए, क्योंकि कोई भी खातून कुछ बड़ा मुतालबा कर दे रही है जिसकी वजह से मर्द आदमी उतना महर अदा नहीं कर सकता, इसीलिए महर का एक तायुन होना चाहिए, हद महर को तायुन करना चाहिए, इतना ही महर इसके अंदर मांगा जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं मांगा जा सकता। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बिल अपनी पार्लियामेंट में पेश किया। जैसे ही सैयदना उमर फारूक ने ये बिल पेश किया, वो सहाबिया जो सैयदना उमर फारूक की पार्लियामेंट में एक मेंबर थी, खड़े हो गई, खड़े होकर कहने लगी कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं आपके इस बिल से, आपके इस फैसले से इख्तलाफ करती हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि पहाड़ की तरह सोना भी अगर तुम्हें महर में दिया जाता है और जब तलाक या खुला की बात आती है तो उसको वापस मत लो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप हद महर का तायुन नहीं कर सकते। सैयदना उमर फारूक जो अदल व इंसाफ की आपकी मिसाल दी जाती है, आपका अदल व इंसाफ को सारी कायनात मानती है, आपके अदल व इंसाफ के सब ख्याल है, जैसे ही ये खातून साहबिया ने
सैयदना उमर फारूक की पार्लियामेंट में ये बात कही तो सैयदना उमर फारूक वहां पर किसी बात पर एतराज नहीं किए, बल्कि आपने जवाब अता फरमाया कि ऐ साहबिया आप बिल्कुल सही कहती हैं, क्योंकि अल्लाह उसके रसूल का जो फैसला होता है वह बरहक होता है, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हो सकती, हद महर का तायुन नहीं किया जा सकता। महर का तायुन का हक सिर्फ और सिर्फ औरत को है, जब तक के खातून उस महर पर राजी ना हो जाए किसी किस्म का कोई निकाह नहीं हो सकता। तो इस्लाम ने जो तहफ्फुज दिया खवातीन को, ये एक उसकी मिसाल है कि निकाह का जब वक्त आता है तो खातून की मर्जी पर, औरत की मर्जी पर हद महर का तायुन किया जाता है, उसमें किसी कोई किसी की जबरदस्ती या जोर नहीं किया जा सकता, बल्कि जब तक कि औरत जिसका निकाह हो रहा है वो अपने महर का तायुन कर सकती है, अगर वो तायुन करके राजी हो जाए तभी जा करके जो है निकाह हो सकता है। जो आज हम माशरे में देखते हैं कि महर की रकम को अपनी मर्जी माफिक आप तायुन कर देते हैं, लड़के वाले आते हैं तो बोलते हैं कि नहीं नहीं भाई हम इतना नहीं दे सकेंगे, हमारी इतनी विसात नहीं है, हमारी इतनी सकत नहीं है। जब आपकी सकत नहीं है तो फिर आप उस औरत पर यह जोर जबरदस्ती भी नहीं कर सकते कि तुम उतना मेहर लो और तुम मेरे से निकाह कर लो। जब तक ये औरत उस मेहर पर राजी ना हो जाए वो निकाह नामुकम्मल है। माँ बाप अगर जबरदस्ती मेहर का तायुन करते हैं और लड़की पर वो मेहर थोप देते हैं तो याद रखें वो निकाह नहीं हो रहा है, वो निकाह अज़्वे शरा तकमील नहीं हो रहा है। मेहर का जो हक है वो सिर्फ और सिर्फ उस औरत का है जिसका निकाह तकमील होने जा रहा है। हमारे माशरे में इस बुराई को फौरी तौर पर खत्म करने की जरूरत है। अगर लड़की ये कहती है कि मुझे मेहर नहीं चाहिए, मैं मेहर माफ करती हूं, तो फिर कोई हर्ज नहीं है। और अगर लड़की ये कहे कि मुझे इस मेहर में मुझे मंजूर है निकाह, मैं इससे इस मेहर मकदार मेहर पर मैं निकाह करने के लिए तैयार हूं, तो फिर वो निकाह हो जाएगा। लेकिन हालिया में हम जो मौजूदा दौर में जो देखते हैं वो यही देखते हैं कि मेहर का तायुन लड़के वाले करते हैं या मेहर का तायुन लड़की के माँ बाप करते हैं, जो बिल्कुल ही खिलाफ शरा है। माँ बाप चूंकि उसके कफील हैं, माँ बाप उसके वकील हैं, माँ बाप ने उसको परवरिश की है, तो माँ बाप का यह हक बनता है कि वो अपनी लड़की से पूछे कि हमने तुम्हारा निकाह फला शख्स से तय किया है और इतने मकदार मेहर पर हमने निकाह को तय किया है, क्या तुम्हें ये मकदार मेहर कबूल है? अगर लड़की ये कहे कि नहीं मुझे इतनी मकदार मेहर पर ये निकाह मंजूर नहीं है, इसमें कुछ इजाफा होना चाहिए, लड़की ये भी कह सकती है, लड़की ये भी कह सकती है कि नहीं मैं इसमें कुछ कम करना चाहती हूं। तो बताना ये मकसद है कि इख्तियार लड़की का है जिसका निकाह हो रहा है, निकाह होने जा रहा है, उसका इख्तियार है कि वो अपना मेहर का खुद तायुन करे। लेकिन मौजूदा माशरे में हम क्या देखते हैं? मौजूदा माशरे में हम ये देखते हैं कि मेहर की रकम हम थोप देते हैं, लड़की से पूछा नहीं जाता है, ये खिलाफ शरा है, हमारे अपने माशरे से ये चीज को हटाने की जरूरत है, हर एक को इस पर गौर व फिक्र करने की जरूरत है। हमको सोचना लाजिम है कि हम जो निकाह कर रहे हैं क्या यह निकाह अज़ूले शरा है, क्या इसमें लड़की की जो है रजामंदी है? हम नहीं सोच रहे हैं, हम सिर्फ निकाह करने बैठ जाते हैं, हम लाखों रुपए शादी पर खर्चते हैं, इसराफ करने जाते हैं,
लेकिन जब बात जो हकीकी माना में शरीयत की आती है, उस वक्त हमारा हाथ तंग हो जाता है, उस वक्त हमारी दौलत हमें कम दिखने लगती है, उस वक्त हमारी परेशानी हमें याद आने लगती है, हमको इस तरफ बहुत ही गहरी नजर रखने की जरूरत है। जैसे कि उम्र लड़के वालों की तरफ से होता है कि जोड़े घोड़े की रकम मांगी जाती है, लड़की वाले जेरबार हो जाते हैं। खाने के मामले में हम बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशात करते हैं कि बहुत ही मियारी खाना होना चाहिए, फला फला लवाजमात के साथ आपको इतने आदमी का खाना देना चाहिए। ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत होगी। याद रखना, शादी के दिन के खाने का जो आज रिवाज चल रहा है, इस रिवाज को हमें खत्म करने की जरूरत है। हाँ, अगर लड़की वाले अपनी मर्जी से ज़ियाफ़त करना चाहते हैं, अगर वो साहिब इस्तेताअत है, वो ये कहें कि आप 1,000 आदमी को लाएं, आप 2,000 को लाएं, आप 5,000 को लाएं, आप 10,000 को लाएं, अगर लड़की के वालिदैन अपनी खुशहाली अपनी माशी हालात को देखते हुए अगर ये बात कहते हैं तो इसमें फिर कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप ये करेंगे, मुतालिबा करेंगे कि नहीं, हमारा खानदान काफी बड़ा है, हमारा खानदान काफी वसी है, हमारा कबीला काफी लोगों से भरा पड़ा है, तो फिर जनाब आपके लिए वलीमे मसनूना है। शादी में खाना खिलाना, चौथी का जो उमूमन एक रिवाज चलता है वो खाना खिलाना, ये शरई तौर पर मुनासिब नहीं है, शरीयत में इसकी कोई भी गुंजाइश नहीं है। वलीमा मसनून है, लड़के वालों को खाना खिलाना वो मसनून है। वलीमे से अगर कोई इनकार करता है, वलीमा करने से अगर कोई गुरेज करता है, तो फिर उसका जो रिश्ता उसकी बीवी से जो कायम हो रहा है वो बिल्कुल ही गलत होगा। यहां पर लड़की वालों पर कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो खाना खिलाए, लेकिन उमूमन देखने में ये आता है कि कबीले की दुहाई दी जाती है, खानदान की दुहाई दी जाती है, हमारे अपने दोस्त अहबाब की दुहाई दी जाती है, हमारे कबीले की दुहाई दी जाती है, हमारे सर्कल की दुहाई दी जाती है। तुरफा तमाशा तो ये होता है कि कहा जाता है कि भाई हमारा अपना एक मियार है, हमारे अपने दोस्त अहबाब है, हमारे खानदान वाले क्या कहेंगे कि अगर आप इस तरीके की सादगी से शादी करेंगे, तो ऐसे बेगरते लोगों से रिश्ता करने से परहेज करो। इसीलिए कि ये लोग जुमेरात के फकीर होते हैं, ये मांगना जानते हैं, ऐसे लोगों को अपने लड़कियों को रिश्ता करने की जरूरत ही नहीं है, जो मंखों बना करते हैं, जो मांगते हैं। जोड़े की रकम क्या अज़रुए शरा जायज है? शादी के दिन का खाना मांगना क्या जायज है? इतने तोले सोना दो, क्या ये जायज है? आप रिहायश की क्या क्या चीजें दे रहे हैं ये पूछना, क्या ये जायज है? खतई तौर पर जायज नहीं है। लड़की के माँ बाप अपने इख्तियार से अपनी मर्जी से अगर कुछ देते हैं अपनी बच्ची की जरूरियात जिंदगी, तो फिर वो मुनासिब है, वो ठीक है, उसमें कोई भी हर्ज नहीं है। लेकिन मांगने वाले जो होते हैं उनको, ऐसे लोगों को अपनी लड़कियां देने से परहेज करो, गुरेज करो, जो भीख मंगे होते हैं। हमारा माशरा आज कहां जा रहा है? आज यही वजह है कि दुश्मनान इस्लाम, मुखालिफिन इस्लाम, इस्लाम पर टारगेट कर रहे हैं, इस्लाम पर नुक्ताचीनी कर रहे हैं, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। तो इसका मौका किसने फराम किया? इसका मौका हमने फराम किया। हम खिलाफ शरा काम करते जा रहे हैं, अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ काम कर रहे हैं और लोगों को मौका दे रहे हैं। दौरी के जितने केसेस आप देख रहे हैं कि हमारे माशरे में कितनी बुराई पैदा हो रही है, कैसे कैसे जुल्म और ज्यादतियां की जा रही है, लड़कियों को शादी कर ले जाया जाता है और उनके साथ जुल्म और ज्यादती की जाती है। अरे अल्लाह से डरो, अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे घरों में भी बेटियां अता की,
अल्लाह से डरो, किसी के घर की बेटी को ले जाकर सताना, याद रखो कि तुमको इसके एक एक दिन का हिसाब रोजे महशर अल्लाह उसके रसूल के सामने देना होगा। हमारी अपनी गलतियां, हमारे अपने माशरे की गलतियां आज दुश्मनान इस्लाम मुखालिफिन इस्लाम को मौका दे रही है। और कुछ नाम निहाद खवातीन जो शरीयत के खिलाफ बोलती है, जो इस्लाम के खिलाफ बोलती है, वैसे चंद नाम निहाद खवातीन की वजह से आज इस्लाम पर हमले हो रहे हैं। जैसे कि आपने तीन तलाक का मसला देखा, आपने हलाला का मसला देखा, तो इसमें कोई और नहीं बल्कि इस्लाम की बागी खवातीन शामिल रही। दुश्मनान इस्लाम का वो लोगों ने साथ दिया, तब जाकर हमारे खिलाफ में, शरीयत के खिलाफ में कोर्टों में केस चल रहे हैं आपके सामने है। तो ये मौका भी फराम करने वाले वो नाम निहाद खवातीन है जो सिर्फ और सिर्फ नाम की मुसलमान है। जैसे कि आपने मखौला सुना होगा कि झाड़ को काटने के लिए लकड़ी का ही दस्ता होता है, जब कुल्हाड़ी में जो दस्ता लगाया जाता है वो लकड़ी का ही होता है, तो झाड़ को काटने के लिए झाड़ की लकड़ी का ही सहारा लिया जाता है। वैसे ही कुछ नाम निहाद खवातीन जो नाम की मुसलमान है, बिकाऊ किस्म की है, वो लोगों ने शरीयत के खिलाफ आवाज उठाई, वो लोगों ने इस्लाम के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम भी हैं। जिस तरीके से तलाक सलासा का मसला चला, जहालत के अंदाज में कुछ मर्दों ने अपनी बीवियों को एक बैठक में तीन तलाक दिया और घर के बाहर कर दिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि खानखाहों में आओ, खानखाहों में तरबियत हासिल करो, वास की महफिलों में बैठो। तुम निकाह करने जा रहे हो, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं, तुम्हें शरीयत के सही माने मतलब मालूम नहीं। सालन में नमक कम हुआ, शौहर को गुस्सा आया, उसने तलाक दे दिया। थोड़ी बहुत नाफरमानी हुई, उसने तलाक दे दिया। एक बैठक में तीन मरतबे तलाक बोल दिया, अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया। तो ये क्या है? ये जहालत है, ये जहालत है, मालूमात की कमी का नतीजा है। ऐसे चंद अफराद की वजह से आज दुश्मनान इस्लाम इस्लाम पर हमलावर हो गया है। हमको कोर्टों में चैलेंज किया जा रहा है, शरीयत को चैलेंज किया जा रहा है, शरीयत में मुदाखलत की कोशिश की जा रही है। तो आज अगियार दुश्मनान इस्लाम जो हम पर हमलावर है, उसके जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं हम हैं। अगर हम ये मौका फराम ना करें, अगर हम ये गलती ना करें, खुदा की कसम शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी किस्म का कोई हमला नहीं हो सकता। शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में राय बराबर की भी कोई भी मुदाखलत नहीं कर सकता। अगर हम सख्ती के साथ शरीयत पर पाबंद हो जाए और शरीयत का तहफ्फुज़ करें, शरीयत का गलत इस्तेमाल ना करें, तो फिर किसी मैकलाल इस कुर्रे कायनात में पैदा नहीं हो सकता जो शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुदाखलत करे। लेकिन मौका हमने फराम किया, मौका हमने दिया, गलती हमने की, अग्यार हम पर हमलावर हुए, अग्यार हम पर तेजी के साथ हमला करने लगे, और कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार आप हम सब। अल्लाह उसके रसूल ने जो अपनी बीवियों के मुतालिक क्या तालीम दी, औरत को क्या मकाम दिया। अक्सर मैं नेशनल टीवी डिबेट्स में जाता हूं, मैं देखता हूं कि चंद नाम निहाद मुस्लिम खवातीन जो मुसलमान नाम रख के आके टीवी डिबेट पर बैठती हैं, वो बोलती हैं कि जो इस्लाम में ऐसा है, इस्लाम में ये पाबंदी है, इस्लाम में वो पाबंदी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उन खवातीन से कि इस्लाम ने औरत को जो मकाम व मर्तबा दिया, किसी मजहब ने मकाम व मर्तबा नहीं दिया। हमारे पास शादी क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है।
इस्लाम में शादी एक माहिदा है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों है? जब कोई दो आदमी काम कारोबार करते हैं तो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है, माहिदा होता है, एग्रीमेंट होता है, एमओयू होता है ना। तो उसी तरीके से इस्लाम भी एक शादी को कॉन्ट्रैक्ट करार दिया, माहिदा करार दिया कि कल के दिन अल्लाह ना करे कोई ऐसी वैसी बात हो जाए, दोनों में अगर अंडरस्टैंडिंग ना हो, अगर दोनों के ख्यालात ना मिले, तो फिर आप अपनी अपनी जिंदगी को अलहदा तलाक या खुदा के जरिए कर सकते हैं। दूसरे मजाहिब में ऐसा नहीं है, वहां पर तो दान करने की बात है, एक बार दे दिया, दान कर दिया, चाहे तू मर चाहे तू जी, उसका नतीजा क्या है? सेंसेक्स उठाकर देखो, पुलिस का रिकॉर्ड उठाकर देखो कि चूल्हे में गैस के जरिए जला दिया जा रहा है, कोई फांसी लेकर मर जा रही है। क्यों? क्योंकि वहां पर पाबंद है, एक बार दान कर दिया तो फिर वो पलट कर नहीं आ सकती। लेकिन इस्लाम वो खुला मजहब है, शादी को एक माहदे के तहत शादी निकाह होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत होता है। अल्लाह ना करे अगर दोनों की ज़हनियत ना मिले, दोनों के ख्यालात ना मिले, तो फिर आप तलाक या खुला के जरिए अपनी अपनी जिंदगी को अलहदा कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जहालत के अंदाज में तलाक के जुमले को इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी से अपनी जौजा को, अपनी बीवी को निकाल कर फेंक दे। ये जहालत है, कम इल्मी का नतीजा है। अक्सर देखने में आता है कि शौहर बीवी को धमकी देता है, अगर तुम ये नहीं करेंगे तो मैं तलाक दे दूंगा। याद रखो, अल्लाह ताला को सबसे नापसंदीदा अगर कोई अमल है तो वो मर्द जब अपनी बीवी को तलाक देता है तो अल्लाह ताला की सबसे ज्यादा नाराजगी होती है, बिला किसी उजर के। अगर कोई मर्द अपनी बीवी को तलाक देता है तो नापसंदीदा अमल है, अल्लाह को नाराजगी होती है। न सिर्फ नाराजगी होती है, अल्लाह ताला फरमाता है कि जब कोई एक शौहर अपनी बीवी को तलाक देता है तो मेरे अर्श के कंगूरे हिल जाते हैं, अर्श के कंगूरे हिल जाते हैं। तलाक कोई आसान खेल की बात नहीं है, एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर जब मामला आ जाते हैं, जब निभना बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, तब जाकर के ये एक सूरत इस्लाम में बतलाई गई। लेकिन उसका नाजायज इस्तेमाल करना, धमकी के लिए वो लफ्ज का इस्तेमाल करना, याद रखो रोजे महशर तुम्हें एक एक चीज का जवाब देना होगा। जालिम जो शौहर होगा उसकी खबर इतनी तंग हो जाएगी, अल्लाह ताला जमीन को हुक्म देगा कि इसने अपनी जौजा अपनी बीवी पर जुल्म किया जमीन के ऊपर रहते हुए, जमीन को हुक्म देगा कि इसको इतना तंग कर दो, इतना सख्त कर दो कि इधर के फसलियां इधर और इधर के फसलियां इधर आ जाए। क्या है? जो शौहर अपनी औरत पर जुल्म करेगा उसके इधर के फसलियां इधर, इधर के फसलियां इधर आ जाएंगे, इतनी खबर तंग हो जाएगी। क्या हम कभी इस तरफ सोचे? क्या हमारा ख्याल कभी इस तरफ गया? कभी नहीं गया। वही वजह है कि आज हमारे माशरे में ज्यादा तौर तलाक खुला के केसेस हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। मेरे भाई, शादी का जो रिश्ता है, अल्लाह ताला ने ये जो रिश्ता बनाया है, जैसे कि कुरान में हुक्म फरमा रहा है कि हमने दो नफ्सों को, दो नफ्स यानी एक मर्द एक औरत, ये दो नफ्सों को तस्कीन पाने के लिए, सुकून पाने के लिए हमने ये रिश्ता बनाया है। तकलीफ देने के लिए नहीं है, धमकी देने के लिए नहीं है। ये मर्द की जिम्मेदारी है कि वो अपनी औरत का ख्याल रखे, और औरत की जिम्मेदारी है कि वो अपने शौहर का ख्याल रखे। जैसा कि अल्लाह ताला हुक्म फरमा रहा है कि अगर मेरे बाद
किसी को सजदे का अगर मैं हुक्म देता तो औरत को उसको शौहर को सजदा करने का हुक्म देता। यानी शौहर का मकाम बताया गया, उसका मर्तबा बताया गया कि सजदा खुदाए वाहिद को किया जाता है, सजदा बारगाहे रब्बुल इज्जत में किया जाता है। अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदे की इजाजत दी जाती तो वो औरत को दी जाती, वो अपने खाविन को अपने शौहर को सजदा करे। ये एक मकाम बतलाया गया शौहर का, और शौहर की जिम्मेदारियां भी बतलाई गई कि उसको पूरे हुकूक अदा करना। शौहर की यह जिम्मेदारी है कि अपनी बीवी का ओढ़ना पहनना खिलाना पिलाना ये उसकी जिम्मेदारियों में शामिल है। यही नहीं, हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब एक मियाँ और एक बीवी घूमने के लिए तफरी के लिए, कोई नमाज पढ़ने के लिए नहीं, रोज़ा रखने के लिए नहीं, हज करने के लिए नहीं, तवाफ़ बैतुल्ला करने के लिए नहीं, बल्कि घूमने की नीयत से, तफरी की नीयत से, मोहब्बतों के साथ जब एक मियाँ बीवी निकलते हैं तो अल्लाह ताला हुक्म फरमाता है अपने फरिश्तों से, 70 फरिश्तों को हुक्म देता है कि फरिश्तों ये अपनी पाक रिश्ते को निभा रहे हैं, मोहब्बतों के साथ निभा रहे हैं, ये सैर और तफरी के लिए जा रहे हैं, ये घर से निकले जहां जहां गए और फिर घर को पलट के आए तक इनके ऊपर रहमत की बारिश करते रहना, इनके ऊपर रहमत की बारिश करते रहना। दूसरी रिवायत में यह है कि परवरदिगार आलम फरिश्तों को हुक्म फरमाएगा कि जब मियाँ बीवी सहर सैर और तफरी के लिए निकले तो ये घर से निकले और जहां जहां घूमे घर को पलट के आए तक इनकी मग़फ़िरत की दुआ करते रहे। तो ये पाक रिश्ता अल्लाह ने दो नफ्सों को सुकून पाने के लिए, तस्कीन पाने के लिए ये रिश्ता बनाया है। लेकिन आज हम अपने माशरे को, ये माशरे में ये रिश्तों को कहां पर लेकर जा रहे हैं? मारम पीटी, जुल्मो ज्यादती, धमकी, पैसे लाने का मुतालिबा, ये मर्द की तरफ से हो रहा है, ख्वातीन की तरफ से, औरतों की तरफ से। मियाँ की नाफरमानी, काम करने के लिए जो चीज़ की जिम्मेदारी है, जो उसके फ़राइज़ है, उससे इनकार करना। तो फिर ज़रा सोचो कि अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया कि अगर मेरे बाद किसी को सजदा करने का हुक्म होता तो औरत को अपने शौहर को सजदा करने का हुक्म। तो माशरे में कोई एक तरफ से बिगाड़ नहीं हो रही है, बिगाड़ दोनों तरफ से हो रही है, तो फिर सुधार भी दोनों तरफ से होने की जरूरत है। हिंदुस्तानी कानून का नाजायज फायदा उठाने की कई खवातीन ने कोशिश की, दौरी के नाम पर खिलाफ मर्जी हुआ, शौहर की बात नहीं सुनी, साथ से जो है टेंशन हुआ, फौरी पुलिस स्टेशन पहुंच गई, ये मुझसे दौरी का मुतालिबा कर रहे हैं, आप जा रहे हैं दौरी केस करा रहे हैं। क्या औरतों को इसका जवाब देना नहीं है? बराबर देना है। अगर कोई औरत अपने शौहर के बगैर इजाजत घर के बाहर जाती है, जितनी देर घर के बाहर रहती है, अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है कि इस पर लानत बरसाते रहो। जहां शौहर के साथ खुशी खुशी जाने पर आप पर रहमत की बारिश हो रही है, अगर शौहर की बगैर इजाजत अगर आप घर के बाहर जाती है तो वो रहमत जाकर आप पर जो है लानत भी बरसती है। इसीलिए कह रहा हूं कि हर दो तरफ, मर्द हो के ख्वातीन हो, सबको सोचने की जरूरत है। शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्ती के साथ अमल पैरा होने की जरूरत है। जिस दिन हम शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्ती से अमल पैरा हो जाएंगे, याद रखो हमारे घरों से फसाद खत्म हो जाएगा।
हमारे घरों से फितना खत्म हो जाएगा, हमारे घरों से लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा, हमारे माशरे से तलाक और खुला की लानत खत्म हो जाएगी, हमारे माशरे से पुलिस स्टेशन और अदालतों को जाने का सिलसिला खत्म हो जाएगा, अगर हम मर्द हो के खवातीन शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करेंगे, अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तो फिर जिंदगी खुशगवार हो जाएगी, हमारा घर चमन की तरह हो जाएगा, बागो बहार हमारे घरों में होगी और हमारी औलाद नेक रास्ते पर चलेगी। लेकिन हम करना नहीं चाह रहे, हम शरीयत पर अमल करने से बहुत दूर हैं। शादियां हो जाती है, लड़का हो के लड़की हो, उसको सही तरीका शरीयत का नहीं मालूम होता है, गुस्ल का सही तरीका नहीं मालूम होता है। क्या वजह है? इल्म की कमी है, खानखाहों से दूरी है, किसी से वाबस्ता जब हो जाओ, किसी के हाथ में जब हाथ दो, तो फिर ये सारी चीज़ें तुम्हें मालूम होगी। दर्स की महफिल में बैठोगे, किसी अल्लाह वाले की सोहबतों में बैठोगे, तो फिर ये सारी बुराइयां हमारे माशरे से दूर होगी। और एक एक बात आपसे अर्ज करूं कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाजी ज़िंदगी भी सामने उम्मत के पेश की कि आप रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहररात के साथ किस तरीके से रहते थे, किस मोहब्बतों के साथ रहा करते थे। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब चूल्हे करने जाती और रोटी बनाने के लिए बैठती, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ आ जाते, आप आटा गूंदने लगते, आप बीबी आयशा की मदद करते, बीबी आयशा मना करती, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि आयशा, ये घर चलाने की जिम्मेदारी अकेले तुम्हारी नहीं है, मैं तुम्हारा खाविंद हूँ, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मेरा काम है कि मैं तुम्हारे काम में हाथ बटाऊँ। अगर आज कोई शौहर अपनी बीवी का हाथ बटाता है, काम में सपोर्ट करता है, तो उसकी बहनें, उसकी माँ, उसके रिश्तेदार उसको क्या कहते हैं? जोर का गुलाम, बीवी का गुलाम, इस नाम से उसको पुकारा जाता है। तो ऐसे डायलॉग बाजी हमारे माशरे से हटना चाहिए, ऐसी डायलॉग बाजी से हमको परहेज करना चाहिए। देखिए, आप अगर किसी की बीवी बन के किसी के घर में जा रही है, तो फिर आपका भाई भी आपके घर में है, आप उसकी ननंद है। आपके ससुराल में अगर आपके साथ ऐसा सलूक होगा, तो आपको सीख लेकर अपने घर में जाकर फिर वही सलूक अपनी भावच के साथ करेगी, तो फिर हमारा माशरा तो सिर्फ बर्बाद ही होता रहेगा, माशरा सुधरेगा नहीं। बदले की आग एक दूसरे के दिलों में चलते रहेगी, तो फिर माशरा सुधरने वाला नहीं। अगर आप किसी के घर की बेटी अपने घर में ला रहे हो, तो यह सोच कर लेकर आओ कि जैसे मेरी बेटी है, वैसे ही ये भी मेरी बेटी है। जिस दिन आप ये सोच लेंगे, आपका घर चमन बन जाएगा, आपका घर बाग बन जाएगा, आपके घर में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा। बड़ा ताज्जुब होता है कि नंदे जो होती हैं, वो खुद किसी और घर की बहू बन के जाती है, लेकिन जब अपने मैकाल में आती है, तो फिर उसका सुलूक अपनी भावच के साथ बदल जाता है। जब वो अपने ससुराल में जाती है, जब उसकी ननंद उसके साथ कुछ मिसबिहेव, कुछ गलत सुलूक करती है, तो फिर अपनी माँ के पास आके कहती है कि मुझ पर बड़ा जुल्म हो रहा है, ये हाथ ले, ये हाथ दे। उसूल है, जब आप जुल्म किसी पर करेंगे, आप किसी पर जब ताना कसेंगे, तो फिर याद रख लो कि आपको भी अपने ससुराल में जाकर वो सहना है। जब आप कोई बुरा काम नहीं करोगे, जब आप कोई ताना नहीं दोगे, तो यकीनन अल्लाह आपकी मदद करेगा, अल्लाह आपको इन तमाम चीज़ों से महफूज रखेगा। तो मेरा कहने का यही मकसद है कि हम शरीयत के मुताबिक अगर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, मर्द हो के औरत, तो यकीनन हमारा माशरा सुधर जाएगा। हमको अपने में सुधार लाने की ज़रूरत है। और एक आखिरी बात करते हुए अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूंगा कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे सबके साथ अदल इंसाफ करना है, चाहे मर्द हो के औरत हो। और फिर आपने उम्मत को मुखातिब होकर यह फरमाया कि सबके साथ एक सा रवैया रखो, तुम्हारे घर में
अगर लड़का है लड़की है तो सबको एक नजर से देखो, ऐसे नहीं कि लड़का है तो उसको अलग नजर से देख रहे हो, लड़की हो तो उसको अलग नजर से देख रहे हो, नहीं। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, एक नजर से अपनी औलाद को देखो, किसी को ऊंचा किसी को नीचा, किसी को ज्यादा किसी को कम, ऐसे खतई मत करो, सबके साथ इंसाफ करो। ये मेरे आखा का हुक्मनामा है, ये मेरे आखा का फरमान है। लेकिन मेरे आखा इस बात को मुकम्मल करते हुए फरमा रहे हैं कि अल्लाह अगर मुझे इस बात की इजाजत देता कि तुम अपने बच्चों में किसी को ज्यादा चाहो तो फिर मैं अपनी लड़की को ज्यादा चाहूं, मैं अपनी लड़की को तरजीह देता। लेकिन इंसाफ करने का हुक्म है, तो रसूल मुकर्रम ने यह बात फरमाकर बात को वाज़ह कर दिया कि अगर बराबरी की बात औलाद में नहीं आती, किसी को कम किसी को ज्यादा अगर करना होता तो मैं अपनी लड़की को ज्यादा तरजीह देता। इसीलिए मेरे आका फरमाते हैं कि जिस घर में लड़की पैदा होती है मैं उस वालिदैन को सलाम करता हूं, जिस घर में लड़की पैदा होती है वहां पर सैयदुल मुरसलीन रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम आता है, और जिस घर पर रसूल मुकर्रम का सलाम आता है वो घर सुबह कयामत तक सलामत रहता है, उस घर पर किसी किस्म की कोई आफत या बर्बादी नहीं हो सकती। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, लड़की अगर पैदा होती है तो औरत पर दोष मारते हैं, कह रहे लड़की हो गई, क्या उसके हाथ में है? जहां औलाद तवल्लुद होती है, ये बात को कान खोल कर सुनो, औलाद जो होती है तो उसकी एक जिम्मेदार सिर्फ मां नहीं, उसका जिम्मेदार बाप भी है, उसका जिम्मेदार उसकी मां भी है, तो दोनों उसको जिम्मेदार है, चाहे लड़की हो कि चाहे लड़का हो। लड़की होने पर औरतों को ताना देना ये हमारे माशरे में बहुत ही घटिया हरकत है, और जो लोग लड़की होने पर अफसोस करते हैं याद रखो तुम रसूल मुकर्रम के सलाम पर अफसोस कर रहे हो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाम पर तुम रंज कर रहे हो, क्योंकि मेरे आका फरमा रहे हैं कि जिस घर में लड़की तवल्लुद होती है लड़की पैदा होती है उस घर पे मेरा सलाम, उस वालदैन को मेरा सलाम। तो बहरहाल अपने माशरे में सुधार लाए अल्लाह ताला और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम में जो औरत को मकाम मर्तबा दिया, खुदा की कसम किसी मजहब में ना औरत को ऐसा मकाम दिया गया ना ऐसा तहफ्फुज़ दिया गया। अक्सर बात होती है टीवी डिबेट्स में भी कुछ बातें सुनता हूं मैं कि इस्लाम में जो तरीका है, जो चीज़ मुकद्दस होती है, जो चीज़ का हम एहतराम करते हैं, जिस चीज़ को हम इज्जत के काबिल समझते हैं उसको ढाप कर रखते हैं, क्या करते हैं ढाप कर रखते हैं। काबे शरीफ अल्लाह का घर एक निशानी एक मखाब जो दुनिया में है, जिसको अल्लाह के हुक्म पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, एक मुकद्दस मकाम है, हम उसका तवाफ करते हैं, हम उसको सजदा करते हैं, इसीलिए काबे पर गिलाफ डाला जाता है, काबे को महफूज किया जाता है, कुरान शरीफ घर में रखते हैं, क्या करते हैं कुरान को जूजदान में रखा जाता है, कुरान को लिहाफ में रखा जाता है, क्यों नापाक नजर ना पड़े, हालत नजासत में उस पर हमारी नजर ना पड़े, इसीलिए कपड़ा ढांक कर रखा जाता है। वैसे ही औरत जो हमारे पास है, खवातीन का जो मकाम मर्तबा इस्लाम में है वो बहुत बुलंद और बाला है, कोई राहगीर की गलत नजर उस पर ना पड़े, वो कहीं खतरे में ना जाए, इसीलिए हमारे पास औरतों को ढांक कर रखा जाता है, औरतों को पर्दे में रखा जाता है, क्योंकि इस्लाम में उसकी बड़ी अजमत है, बड़ा मकाम।
इसीलिए औरत को पर्दा किया जाता है। दूसरी बात, खुशबू के मुताल्लिक अक्सर बात चल रही है आजकल टीवी डिबेट्स में भी ये बात आ रही है कि औरत खुशबू लगाना नहीं इस्लाम में पाबंदी है। उसकी भी मैं वजाहत करना चाहूँगा कि जितने दुश्मनान इस्लाम हैं, जिस तरीके से इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं, इस्लाम ने अगर किसी चीज़ की पाबंदी आयत की तो वो सिर्फ और सिर्फ औरत के तहफ्फुज़ के लिए। इंसान की फितरत होती है, जब कोई बाजू से गुजरता है और अगर कोई तेज खुशबू लगाकर बाजू से जाता है तो फौरी आप पलट कर देखते हैं ना कि कौन जा रहा है, और अगर खातून वहां से गुजरे तो यकीनन मर्द की नजर उस पर पड़ती है और फिर 10 किस्म के 10 ख्यालात मर्द के जहन में भी आते हैं। इसीलिए इस्लाम ने खातून पर, खवातीन पर तेज खुशबू लगाने से परहेज करने के लिए हुक्म फरमाया। तेज खुशबू, खातून को, खवातीन को ऐसी खुशबू लगाने का हुक्म बराबर है जो बहुत ही करीब आने पर वो खुशबू सामने वाले को मिले। यानी खवातीन को जो खुशबू लगाने का हुक्म है वो सिर्फ अपने मर्द के लिए है। करीब खातून के कौन आता है, खवातीन के करीब कौन आता है? या तो हम जिंस आएगा, औरत औरत से गले मिलेगी, या फिर उसका मर्द उसके करीब आएगा। इसीलिए इस्लाम ने वजाहत के साथ भीनी भीनी धीमी धीमी खुशबू की इजाजत औरत को दी है। तेज खुशबू की इजाजत इसीलिए नहीं थी ताकि उस पर किसी की नजर ना पड़े, ताकि वो कोई खतरे में ना चले जाए। ये इस्लाम है, इस्लाम ने ये तालीम दी, ये मकाम दिया, ये मर्तबा दिया। तरजीह की बात अगर आई तो वाज अंदाज में यह बतला दिया गया कि औरत को तरजीह दी जाएगी, औरत का तहफ्फुज़ किया गया, महर के नाम पर औरत के तहफ्फुज़ को देखा गया। मर्द आदमी की तरफ से निकाह के वक्त कोई गवाह या वकील नहीं होता, लेकिन औरत के तहफ्फुज़ के लिए एक वकील भी होता है, तो गवाह भी होते हैं। तो ये इस्लाम ने औरत को मकाम मर्तबा दिया। ये और बात है कि दुश्मनान इस्लाम मुसलसिल ये कोशिशें साजिशें कर रहे हैं चंद नाम निहाद सो कॉल्ड मुस्लिम वुमेंस की तरफ से कि जो है हम पर टारगेट किया जाए, लेकिन इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक इस्लाम को ना कोई टारगेट कर सकता है ना कोई नुकसान पहुंचा सकता है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मर्द हो के ख़वातीन हो सारे लोग इंशाअल्लाह शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्ती के साथ अमल पैरा होते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, अपने घरों में खुशहाली लाएंगे, अपनी औलाद को राह रात पर लेकर चलेंगे, उनको सौम सलात का पाबंद बनाएंगे, शरीयत पर चलने की तलकीन करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।